तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सब का स्वागत है कोनी गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, इस गेम प्ले वीडियो में क्या होता है कि मैं यहाँ पर उतरता था स्टेडियम में, ये सोचकर कि भाई यहाँ पर बहुत सारे बंदे आएंगे, लगभग दो टीम्स तो आएंगी और दबा के किल्स मिलेंगे, दबा के कंटेंट मिलेगा तो तुम्हारा भाई यहाँ पर उतरता है। लेकिन भाई मतलब जब मैं सोच लेता हूँ कि मतलब यही होने वाला है तो भाई उसके बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक बॉट तक नहीं आता तो भाई गलत ही सीन होता है मेरे साथ। और भाई लास्ट में देखना मतलब क्या ही क्लचेस देखने को मिलेंगे आपको। और हाँ, क्लचेस देखने के लिए आपको एंड तक वेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे गेम में तुम्हारे भाई ने तबाही मचाई है, दबा के क्लचेस करें। तो भाई उसकी शुरुआत में यहाँ पर कहाँ से कर तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन भाई उससे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक लूट कर लेता हूँ क्योंकि भाई आपको पता है भाई गन्स और भाई हेलमेट वेस्ट थोड़ा सा जरूरी जरूर होता है। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर गन्स तो मैंने उठा ली थी, UMP9 और थॉम्सन, और इसी से पहला स्क्वाड वाइप भी करेंगे तो बस देखना, डाउनलोड करके ट्राई जरूर करना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज अब आते हैं गेम प्ले पे। तो गाइज सामने से सेंट्रल रोड की तरफ से मुझे बहुत तगड़ी फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, जो कि मतलब एक बंदा बोट पे अत्याचार कर रहा था। अब यहाँ पर उस बंदे को बहुत ज़्यादा लेट करा और यहाँ पर मुझे एक फ्री का किल भी मिल जाता है। अब यहाँ पर देखना ये वाला सीन, और भाई हैकर मत बता देना, मतलब प्री फायर दी मैंने और मतलब प्री फायर में आ भी गया। अब यहाँ पर वो बंदा नॉक था तो मुझे लगा कि भाई रिवाइव होने के लिए सिंपली जीनो पे ही बैठा होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसे ही एक ये स्टन कर देता हूँ, क्या पता बंदा अंधा बंदा हो जाए। तो अब देखना यहाँ पर क्या होता है। मतलब मैंने एनिमी को करने के लिए भेजा लेकिन भाई मतलब मेरे ऊपर ही आके गिर जाता है, पता नहीं कैसे। तो भाई ऊपर चलते हैं और इस बंदे को फिनिश कर देता है क्योंकि बेचारे को कहीं रिवाइव देने नहीं आता यहाँ पर। तो इसका टीममेट अभी नीचे ही था, अब देखना उसे कैसे चौंकाते हैं। और सामने देखो मतलब एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है, मतलब इसकी किस्मत देखो कितनी ज़्यादा ख़राब थी। ये बंदा रेड जोन में मेरे ऊपर रश कर रहा होता है, लेकिन भाई ये बंदा रेड जोन से ही नॉक हो जाता है और इसे इजीली फिनिश करके किल कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बंदा रिवाइव कर रहा था और बंदा रिवाइव भी हो जाता है तो बस देखना थॉम्सन का कमाल। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर थॉम्सन होती है वो भी 50 बुलेट्स के साथ, मतलब प्री फायर देते गया मैं और उन बंदों को इजीली मार दिया। अब यहाँ पर ये वाले बंदे तो क्लियर हो चुके थे लेकिन भाई अभी बारी थी थर्ड हिल वालों की, क्योंकि थर्ड हिल में भी पूरी की पूरी स्क्वाड होती है जो कि मतलब सारे बंदों को निपटा चुकी होती है वहाँ पर। तो वहाँ पर देखना मतलब क्या ही क्रश देखने को मिलेगा आपको। अब यहाँ पर भाई एक हीरो वाली एंट्री मारते बहुत खतरनाक वाली, तो भाई इसे ट्राई जरूर करना अपने इन गेम में। अब जैसे यहाँ पर पहुँचता हूँ भाई बारी थी उन बंदों की जिन्होंने मतलब पूरा थर्ड हिल क्लियर करा था, तो बस देखो कैसे निपटाते हैं इन्हें। अब यहाँ पर एक बंदे को नॉक करो और एक बंदे को बहुत ज़्यादा लीड कर दिया, तो भाई मैं यहाँ पर क्लोजिंग कर जाता हूँ। और यहाँ पर मुझे पता था कि बंदा रिवाइव हो चुका होगा तो यहाँ पर मैं 200 करोड़ के IQ का एक ग्रेनेड कर देता हूँ ताकि बंदा नॉक हो जाए, लेकिन भाई और इस वाले क्लच के लिए अभी फिलहाल इनका चौथा बंदा मरा नहीं है क्योंकि वो इनसे बहुत ज़्यादा दूर होता है, अभी उसे भी मारेंगे। लेकिन भाई फिलहाल इन सब बातों को इग्नोर करो और इस वाले क्लच के लिए सब्सक्राइब बटन फूट जाना चाहिए, मतलब जो अभी आपको दिख रहा है लाल कलर का उसे दबा दबा के मतलब फोड़ दो, एकदम काला कर दो मार मार के। अब यहाँ पर वो वाला बंदा मेरे को स्प्रे देता है जो कि इनका लास्ट मेंबर होता है, जो कि मतलब कहाँ से ही दे स्प्रे दे रहा था मुझे यहाँ पर पता नहीं चलता, तो उस बंदे को मैं यहाँ पर इग्नोर कर देता हूँ फुली क्योंकि भाई यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर देखना फिर से सेंट्रल रोड में बंदे होते हैं और भाई फिर से यहाँ पर शॉटगन का चलने की आवाज़ आती है। अब यहाँ पर वो पिस्तौल वाली शॉटगन होती है, अब यहाँ पर देखना मतलब स्कैम होते होते बचा मेरे साथ। और जैसे इस वाले बंदे को फिनिश करा भाई मुझे पीछे से फुटस्टेप आते हैं, अब यहाँ पर मुझे लगा मैं गया लेकिन भाई ये बंदा बोट होता है, मतलब क्या ही डराता है। अब बस देखो,
और यहाँ पर इन बंदों को भी क्या मारा। खैर इन बंदों को मारते मारते मेरा ध्यान जाता है मेरी वेस्ट पर, मतलब देख रहे हो, मतलब बचा ही नहीं, बिल्कुल लाल हो चुका है, मतलब किस लिए यहाँ पर मैंने पहन रखा है मुझे नहीं पता। अब यहाँ पर इन बंदों को लूट रहा होता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पर फायरिंग की आवाज़ आती है मैं सीधा चलाता हूँ उधर, क्योंकि भाई यहाँ पर किल्स भी चाहिए थे। अब मैं यहाँ पर सोचा था कि भाई क्लोज फाइट को इग्नोर करूँगा, मतलब क्लोज रेंज में फाइट नहीं करूँगा, क्योंकि भाई वेस्ट देखो सामने वाला बंदा 2 से 3 बुलेट्स मार देगा तो मैं यहाँ पर मर जाऊँगा। तो फाइनली वो बंदे मुझे बुला भी लेते हैं। अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ क्लोज फाइट इग्नोर करूँगा, लेकिन भाई वो 4 के 4 बंदे होते हैं जो कि मेरे ऊपर रश कर देते हैं। तो बस ये वाला क्लच देखो, मज़ा आएगा आपको। और यहाँ पर पता नहीं ये नेट वाला ग्लिच कब फिक्स होगा कि भाई जैसे ही नेट के पिन खींचो भाई नेट अपने आप हाथ से छूट जाता है। फिलहाल इसे इग्नोर करते हैं, तो भाई ध्यान देते हैं सामने वाले बंदों पे। तो बस देखो अब यहाँ पर इन बंदों को भी क्या ही मारा, विदाउट वेस्ट मारा, मतलब देख सकते हो वेस्ट है ही नहीं मेरे पास, बिल्कुल लाल हो चुकी है। और भाई इन बंदों की एक ही गलती होती है कि बंदे मतलब कुछ ज़्यादा और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो इन बंदों को ईजिली मार देते हैं। खैर यहाँ से निकलते हैं और भाई सीधा चलते हैं जोन की तरफ, क्योंकि भाई जोन यहाँ पर बना था इस वाले कंपाउंड में, अभी आपको पता है लग जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगा कि भाई जब भी ऐसे मतलब सीन मतलब ऐसे सिचुएशन में फंसो आप, तो भाई कभी भी ऐसे कंपाउंड में घुसो मत सीधा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैंक कर जाना है, मतलब रोटेशन लेनी है। और यहाँ पर बिल्कुल जोन के पीछे से मैं देखना मतलब कई बंदों को चौंकाता हूँ, तो बस देखना आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही मैं पहुँचता हूँ मेरे को पता लगता है कि भाई 2 टीमें लड़ रही है एक दूसरे से, तो यहाँ पर इसी का फायदा उठाकर मैं सीधा क्लोज इन कर जाता हूँ। अब यहाँ पर देखना मतलब प्रेडिक्शन नेट होता है, क्योंकि मुझे पता है कि बंदा छत पे गया और भाई कहाँ पर ही टीपीपी ले रहा होगा, तो तुम्हारा भाई नेट से सीधा नॉक कर देता है। अब यहाँ पर जैसे ही बंदा नॉक हुआ मैं पर दूसरी नेट की पिन खींच लेता हूँ, ये सोचकर कि बंदा अगर जीने पर रिवाइव हो रहा होगा तो ईजिली मर जाएगा यहाँ पर, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर बाकी के बचे हुए बंदे जोन में थे, लेकिन भाई मैं यहाँ पर जोन में नहीं था, तो यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी हम यहाँ पर जोन को देंगे। तो यहाँ पर फटाफट थोड़ी सी एमओ में उठा लेता हूँ, यहाँ पर गिली सूट भी उठा लेता हूँ, क्योंकि आपको पता है भाई लास्ट जोन में मतलब गिली सूट मतलब वरदान सा होता है। अब यहाँ पर मुझे नीचे से फुटस्टेप आ रहे थे जो कि मतलब इधर जाके रुक गए, तो यहाँ पर मैं नेट फेंक देता हूँ, लेकिन भाई वो शायद वेयर हाउस में चला जा चुका था। तो भाई यहाँ पर फटाफट गिली सूट उठाते हैं और भाई सीधा जोन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि भाई जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बस देखना अब यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता कि भाई इतने लास्ट तक इतने नूब बंदे कैसे आए। फिलहाल यहाँ पर मैंने स्मोक कर दिया था, क्योंकि भाई कोई भी सांप डस सकता था हमें। अब यहाँ पर इस वाले बंदे को भी इजीली मार देते हैं, और यहाँ पर एक और चिकन डिनर कर लिया तुम्हारे भाई ने विद 21 किल्स। तो गाइज अगर आपको गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई चैनल पर ना हो तो भाई इसी प्रकार के गेम प्ले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। मैं मतलब नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।